सावली तालुकाना गोठड़ा गाम पासे आवेल जामिया मदारुल उलूम ट्रस्ट द्वारा मुस्लिम तेजस्वी तालाव उपरांत लोक सेवकोनी खिदमा ते खलक एवोर्ड आपी सन्मानित करवामां आव्या हता। सावलीना जामिया मदारुल उलूम ट्रस्ट द्वारा तारीख 19 मे ना रोज रात्रे 9 वागे कार्यक्रमनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। तेमां गुजरात भरना मुस्लिम अग्रणी उपरांत अमदावाद दरियापुरना धारासभ्य ज्ञानसुद्दीन शेखनी विशेष उपस्थितिमां सावलीना वर्षोथी सेवा कार्यो साथे जोड़ायेला बाबरभाई उर्फे युनुसभाई शेख, जावेद शेख, फारूकभाई बाबा, अबुल कलाम अने सावली मदारुल उलना सैयद असगर अली बापू द्वारा खिदमते खल्क एवोर्ड 2024 सुंदर आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां गुजरात भरना तेजस्वी तालाव उपरांत वर्षोथी लोक सेवा साथे संकळायेला मुस्लिम समाजना हमेशा कार्यरत रहेता अग्रणीओनुं सन्मान करायुं अने ट्रॉफी एनायत कराई हती। तेमां मुस्लिम समाजना वडीलो, पत्रकार अने संस्थाओ साथे जोड़ायेला अग्रणी अने कोरोना काळमां नाचातना भेद राख्या वगर पोताना जीवनी जराक पण परवा कर्या वगर 24 कलाक सेवामां हाजर रहेता कोरोना वॉरियर्सनुं स्वागत करी सन्मान करवामां आव्युं हतुं। कौमी एकता को भी बनाए, भाईचारे को भी मजबूत करे, क्योंकि खिदमत खल्का काम एक काम ऐसा है कि जिस काम से हम देश की भी सेवा कर सकते हैं, समाज की भी सेवा कर सकते हैं और सर्व समाज की भी सेवा कर सकते हैं। इसे बताया एक भाई ने 400 इंसानों की, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, उनकी कोरोना के अंदर अंतिम विधि करने का काम हमारे उस भाई ने किया। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी नेकी का काम है और दो समाज को, दो कौमों को जोड़ने का काम है। ऐसे ही हिंदू समाज के भी जो लोग हैं, वो भी बहुत सब लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे साथ हिंदू समाज जो है वो हमारे बड़े भाई के समान है, उससे हमारा कोई झगड़ा या कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जो है, जो कुछ ताकत है, ऐसी ताकत है जो ये चाहती है कि दो समाज, हिंदू और मुस्लिम, एक नहीं। बाकी तो आप देखो कि हमारे सुख और दुख में हमेशा हिंदू समाज भी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहा है। लेकिन मैं आज एक जिन लोगों का आज यहाँ पे सम्मान हुआ, जिन लोगों को आज यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया, मैं उन लोगों को बहुत बहुत मेरी जान से मुबारकबाद दूंगा।